अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की रेसिपी है आलू का भुर्ता। और आलू के भुर्ते का जो मेरी रेसिपी है, मैं किस तरह बनाती हूँ वो मैं आज आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और सबसे पहले जो है हम आलू उबाल लेंगे। आलू उबालने के बाद उसको हम बारीक जो उसका छिलका होता है वो उतार लेंगे, और चम्मच की मदद से इसको हम अच्छे से तोड़ लेंगे, पीस लेंगे। ज़्यादा मतलब मोटा मोटा जो है इसको तोड़ लेना है हमने, ज़्यादा बारीक नहीं करना है। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अब मेरी कोशिश ये होगी कि मेरे ब्लॉग रेगुलर आते रहें। मोबाइल में मेरे थोड़ा मसला हो गया था जिसकी वजह से मेरे ब्लॉग बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे, और मैं बहुत मिस कर रही थी अपनी वीडियोस। खुद मुझे अपनी वीडियोस जो है ना खुद अपलोड मैं करती हूँ यूट्यूब पर, और ख़ुद जो है वो मैं देखती हूँ, मुझे अपनी वीडियो बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर जो है हम मसाला बना लेंगे। तो सबसे पहले जो है मैंने प्याज काट ली थी, साथ इसके अंदर मैंने ऑयल शामिल कर दिया, और इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे, प्याज को भून लेंगे अच्छे से। और साथ ही इसके अंदर जो है मैंने कलौंजी और ज़ीरा शामिल कर दिया है, इसको फिर हम अच्छे से भून लेंगे। और भूनने के बाद इसमें साबुल गोल धनिया होता है, इसको जो है हम थोड़ा सा रगड़ लेंगे ताकि ये पेस्ट टूट जाए। साथ ही मैंने इसमें गोल मिर्च डाल दी हैं, और बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इन चारों चीज़ों का, और खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही थी, और बहुत मज़े का बनता है। और बच्चे और बड़े भी जब शौक से खाते हैं तो हमारे यहाँ तो बहुत बनता है यहाँ पर। और साथ ही इसके अंदर मैंने डाल दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। और क्या शामिल कर दिए इसके अंदर मेरे टमाटर, टमाटर के बगैर हर रेसिपी अधूरी है, सही चटपटे मसालों की जितनी भी रेसिपी होती है मेरे ख्याल से टमाटर इसको अच्छे से मैंने यहाँ पर फ्राई कर लिया, और इसको हम मज़ीद भून लेंगे। और साथ ही शामिल कर दी मैंने इसमें हल्दी, कुटी हुई मिर्च और नमक और मोटी हरी मिर्चें, इसको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। भून लेंगे इसको इतना सा कि तेल इसका ऊपर आ जाए, मसाला इसका नीचे हो जाए। और आप देख सकते हैं प्याज भी और टमाटर भी बिल्कुल मैश हो गए हैं अच्छे से, तेल भी देख सकते हैं आप ऊपर आ गया है। और जो ये हमने आलू जो थे जिनको हमने तोड़ के रखा हुआ था पीस के मतलब, वो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। और देख सकते हैं आप यहाँ पर जो है आलू जो थे वो प्लेट में ही जम गए थे। तो अब इसको जो है हम, और मुझे बड़ी मुश्किल बोल रही थी कि एक हाथ से मोबाइल और एक हाथ से ना, तो थोड़ा मुझे मुश्किल हो रहा था, तो फिर मैंने इसको रखा दोबारा से मोबाइल को, और फिर सारा इसके अंदर मैंने शामिल करा। और आलू के साथ साथ इसके अंदर हम शामिल कर देंगे हरा धनिया, बहुत ही मज़ेदार खुशबू, बहुत ही मज़ेदार जायका, और सबसे सबकी फेवरेट डिश है आलू, तो सब हर कोई खाता है छोटा भी बड़ा भी। तो साथ इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी मेथी, मेथी को जो है मैं अच्छे से धो लेती हूँ इस तरह, मतलब बाहर की जो सूखी मेथी होती है वो मैंने इसके अंदर शामिल करी है, और सूरी मेथी का पैकेट आता है वो मैंने इसके अंदर शामिल करा है। और बहुत ही मज़ेदार जायका, खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त, और मसाले जो हैं वो आप अपने हसब ज़रूरत जितना खाना खाते हैं, टेस्ट खाते हैं, लाइट खाते हैं तो डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मज़ेदार सा हमारा आलू का भुर्ता तैयार है। तो मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा।